दूसरे दिन स्कूल से भागकर जब भगत सिंह जलियांवाला बाग पहुंचा तो दीवारों पर गोलियों के निशान और खून से भरी मिट्टी देखकर उसकी आंखों के सामने जैसे वो नक्शा घूम गया कि किस तरह जालिमों ने गोलियां चलाई होंगी और किस तरह औरतें और बच्चे बेबसी की हालत में चिल्लाते हुए कुओं में गिर गए होंगे। से इस जुल्म का बदला जरूर लूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। भगत सिंह की यह कसम आज पूरी दुनिया 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 वाले चांद तारे सूरज सभी याद रखे। मैं उन जालिम फिरंगियों से इस खून का बदला लूंगा, जरूर लूंगा। वो हर रोज उसी माटी को प्रणाम करता तो दो ही लफ्ज उसके कानों में गूंजते, कुर्बानी और बदला, कुर्बानी और बदला, कुर्बानी। छाड़ो छाड़ो, ये किताबें बहुत पढ़ ली तूने, चल उठ। ओ कहा ओए, तुझे याद नहीं ओ वुमन कॉलेज के साथ हमारा संगीत मुकाबला है। ओ माँ, जीना भी कोई जीना है, जीना भी कोई जीना है। जाग कर भारत दी किस्मत कब जगाओगे। ओए पुत्र, ओए कर वाले चांद हैं कि इन्हीं छुट्टियों में तेरा ब्याह हो जाए। मेरी जिंदगी तो अब मेरी है ही नहीं, ये तो मेरे देश की हो चुकी है। दादी, आज के बाद मेरी शादी की बात भी नहीं सोचना, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी दुल्हन है मेरे वतन की आजादी। प्रोफेसर विद्यालंकार जी मेरे माननीय हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, फिर भी मैं तुम्हें यह बता देना जरूरी समझता हूं कि सड़कों पर नारे लगाना या विदेशी कपड़ों की होली जलाना तुम्हारे देशभक्त होने की तरफ इशारा जरूर करती है, लेकिन जिस पार्टी में शामिल होने के इरादे से तुम यहां आए हो वो जोशीले नौजवानों की पार्टी नहीं है, वो तो बलिदानियों की पार्टी है, बलिदानियों की, जो देश पर अपना सर्वस्व निछावर करते हैं, अपना घर बार, सगे संबंधी, दोस्त यार सबको छोड़कर आजादी के मैदान जंग में अपनी अपनी जान हथेली पर रखकर कूद पड़ते हैं। जवानी का जोश और बात है, सर धड़ की बाजी लगा देना और बात है। हमारी पार्टी क्रांतिकारियों की पार्टी है, क्रांतिकारियों की। क्रांति ही तो मेरी जिंदगी का मकसद है,
मैं अपने देश की आजादी के लिए मरने की शपथ खा चुका हूं। मरना और बात है भैया, मुला जब भात भात की तकलीफ उठाए का पड़ी, कष्ट सहाय का पड़ी, तब समझ में आई। हम तो सुना है कि बर्फ की सीलन पर नंगे बदन लेटाए देते हैं इन क्रांतिकारियों को, और ऐसी मार मारत है, ऐसी मार मारत है कि बदन पर लगे जख्म महीनों नहीं भरत। भैया, गुलामी से बड़ा जख्म कोई नहीं। सैकड़ों सालों से यह जख्म मेरी भारत माता के बदन से रिस रहा है। मैं इस जख्म को भरना नहीं चाहता हूं। मैं तो इसकी टीस, इसके दर्द, इसकी जलन से खुद को इतना जला देना चाहता हूं कि अंग्रेजी सरकार को जलाकर राख कर सकूं। मेरी रगों का खून देशभक्ति की लाली से भरा है विद्यार्थी जी, और मैं इस लाली से भारत माता के माथे पर आजादी का तिलक लगाने के लिए बेचैन हूं। आप मेरी गर्दन काट कर देखिए, मेरे लहू की एक एक बूंद चिल्ला चिल्ला कर कहेगी आजादी दो, आजादी दो, आजादी दो। छोटे भैया, ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलत। ये दुनिया अनंत सुखों से भरी है और तुम्हारी उम्र तो सुख भोगन की है। ये जन्म में कोनो और मकसद की खातिर जान गवाना मूर्खता है, मूर्खता। ये जन्म में जो सुख और आनंद मिल सके उसे भरपूर भोग लेना चाहिए। बिना कुछ दिए कुछ लेना भीख होती है बड़े भैया, भीख। और मैं तो खुद को खोकर, खुद को मिटाकर अपने देश की आजादी पाना चाहता हूं। मेरे ये जिस्म, मेरी ये जवानी स्वतंत्रता के यज्ञ की आहुति है। आप मुझे ये आहुति डालने दें। मैं अपने दिल में एक मुतम्मिम इरादा लेकर आया हूं। अगर आपने मुझे अपना साथी नहीं बनाया ना, तो मैं यही तिल तिल करके जल जाऊंगा। ऐ शम्मा तू सब तन फूंक दे, मुझे कर दे यही शहीद। पर इस दिल को मत फूंकना, उम्मीद आजादी की जिसमें उम्मीद। विद्यार्थी जी, काहे माथा पच्ची करत हो? छोटे भैया भी सगरे क्रांतिकारियों जैसा मूर्ख है। हाँ, इनको भी भिजवाए तो मूर्खन की टोली में, जो भारत माता की खातिर अपनी जान कुर्बान करने को अकलमंदी समझते हैं। भिजवाई दो भैया, इनको भी मूर्खन की टोली में भिजवाई दो। हाँ, भिजवाई दो मूर्खन की टोली में। हाँ, ठीक है। तो भगत सिंह, मैं तुम्हें कल सुबह उन लोगों के पास ले जाऊंगा। जाओ, अभी थोड़ा आराम कर लो। विद्यार्थी जी, आपने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है जैसे मुझे कारून का खजाना दे दिया हो। अरे, अब इस खुशी में रात को नींद किसे आएगी, नींद किसे आएगी। बस बस, पगत, ओए पगत, ओए विद्यावती, कितने पगत? मुझे लगता है वो सवेरे सवेरे खेतन चला गया। ओए, तू मेरा एक काम करी। हाँ? तू ना मेरे वास्ते रोटी बना दे, मैंने अमृतसर जाना कुछ काम से। ठीक है। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजादी हिंद के लिए वक्फ हो चुकी है, इसीलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात
भाई से कशिश नहीं है। आपको याद होगा जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मैं खिदमते वतन के लिए वक्फ कर दिया जाऊं, लिहाजा मैं वही प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। अलविदा। आपका दावेदार भगत सिंह। हाय रब्बा, ए भी गया, पता नहीं मेरे सारे खानदान नु किस दी नजर लग गई है। पता नहीं मेरा पुत्र कहां कहां भटकेगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, यह है हमारे नए साथी भगत सिंह। भगत सिंह, यह है श्री भगवती चरण, हमारे बॉम्ब बनाने के एक्सपर्ट, और आप हैं दुर्गा भाभी। नमस्ते। माननीय भगवती चरण जी की धर्मपत्नी, आओ। और ये हैं बटुकेश्वर दत्त। नमस्कार। आओ। ये है जयगोपाल, और ये है सुखदेव। आओ। और ये है हमारे हमारे वीर मराठा राजगुरु। ये है अशफाक उल्ला। आदाब बजा लाता हूं हुजूर। आदाब। और आप हैं राम प्रसाद बिस्मिल। बड़ी जोशीली गजलें लिखते हैं और गाते भी हैं। अच्छा। हम अपनी हर मीटिंग का आगाज इनकी गजल से ही करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर से। विद्यार्थी जी, मुझे तो प्रोफेसर साहब ने कहा था कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी भी होंगे, कहाँ है वो? वंदे मातरम। वंदे मातरम। आओ भगत सिंह, आओ। भगत सिंह, ये हैं चंद्रशेखर आजाद जी। आप तो प्रेस में। अरे नहीं रे बछुआ, हम तो प्रेस में झाड़ू लगाए वाले प्रेम नारायण है। ना ना ना, तुम्हारी जगह पैरों में नहीं, दिल में। आजाद जी, और इनसे मिलिए, यह क्रांतिकारी योगेश चटर्जी। आप भी तो। मैंने इस नौजवान को परख लिया है, इसमें जितना जोश है उससे बढ़कर कुर्बानी का जज्बा है इसके दिल में। अंग्रेजों से जितनी नफरत है अपने वतन से उतनी ही मोहब्बत है, हिम्मत है, हौसला है, और एक जुनून है देश में क्रांति लाने का। और फिर विद्यालंकार जी जिसे चिट्ठी लिखकर हमारे पास भेजेंगे, वो विश्वास और भरोसे के लायक तो होगा ही। आप सभी लोगों से मिलकर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि हम क्रांतिकारियों की टोली कुछ ना कुछ तो करेगी या फिर मरेगी। नहीं भाई, मरने से पहले हमारे पास और बहुत से काम है। Thank you.
जल्दी कोई डब्बे से बाहर नहीं निकलेगा, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। कोई भी बाहर नहीं झांकेगा, बस वही चुपचाप बैठा रहे। विस्मित जी जल्दी कीजिए। हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, शांत बैठे रहिए। देशभक्तों का हमला, चलती ट्रेन पर देशभक्तों का हमला। एक ही तरीका है, असली मुजरिमों को पकड़ के सीधा फांसी पर लटका दो। मुलजिम राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहड़ी और रोशन सिंह को सजाए मौत का हुक्म सादर फरमाती है। टू बी हैंग्ड टिल डेथ। बस एक तमन्ना। क्या? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार। अब तेरी हिम्मत का चर्चा, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वंदे मातरम, हम उनकी कुर्बानी जाया नहीं होने देंगे। हम गांव गांव जाकर लोगों को बेदार करेंगे, बच्चे बच्चे की जबान पर बिस्मिल जी के कलाम गूंजेंगे। मित्रा जागो रे, जागो रे जागो, जागो रे जागो, जागो रे जागो, जागो रे जागो। मैं आजादी के गीतों का बंजारा, मैं आजादी के गीतों का बंजारा। मेरा एक एक बोल अंगारा, ओ मेरा एक एक बोल अंगारा। भारत माता है परतंत्र, इसको करना है स्वतंत्र। भारत माता है परतंत्र, इसको करना है स्वतंत्र। माँ को मुक्ति दिलाने वाला बस एक ही मंत्र, वो है इनकलाब का नारा, वो है इनकलाब का नारा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अदाजी अदाजी अदाजी, पुलिस आ रही है। गांव वालों तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। मित्रा
तक सहन करोगे अपनी धरती पर गैरों का राज? कब तक सहन करोगे अपनी धरती पर गैरों का राज? घर के मालिक करे गुलामी, गया हाथ से तख्त और ताज। घर के मालिक करे गुलामी, गया हाथ से तख्त और ताज। कुछ भी नहीं सुरक्षित अपना धन धरती घर आंगन लाज। जानवरों से भी बदतर है इंसानों की हालत आज। जानवरों से भी बदतर है इंसानों की हालत आज। से निकाल अपना आप ही बन रखवारा, तो अपना आप ही बन रखवारा। मेरा एक एक बोल अंगारा, ओ मेरा एक एक बोल अंगारा। लगाए लाए अखियों में पानी, अखियों में पानी। जलियां वाले बाग में कैसी हुई खून की होलियां, हुई खून की होलियां। निर्दोषों को घेर घेर जालिमों ने दागी गोलियां, जालिमों ने दागी गोलियां। तिलक करो उस खून भरी माटी से मेरे साथियों, निकल पड़ो अब निकल पड़ो तुम बना बना कर टोलियां। निकल पड़ो अब निकल पड़ो तुम बना बना कर टोलियां। हो अपना क्रांति ही कानून, जागो रे जागो, ले लो हमसे कुछ जुनून। जागो रे जागो, अपना क्रांति ही कानून, ले लो हमसे कुछ जुनून। जान के बदले जान चाहिए, खून के बदले खून। उठो क्रांति का बजा दो नकारा, ओ उठो क्रांति का बजा दो नकारा। मेरा एक एक बोल अंगारा, ओ मेरा एक एक बोल अंगारा। भारत माता है परतंत्र, जागो रे जागो, इसको करना है स्वतंत्र। जागो रे जागो, भारत माता है परतंत्र, इसको करना है स्वतंत्र। माँ को मुक्ति दिलाने वाला बस एक ही मंत्र, वो है इंकलाब का नारा, वो है इंकलाब का नारा। आज ही ऐलान कर दो कि साइमन कमीशन आ रहा है। राइट सर। साइमन कमीशन हिंदुस्तान आ रहा है। साइमन कमीशन हिंदुस्तान आ रहा है। सर, साइमन कमीशन के लिए मेरा एक ही जवाब है, साइमन वापस जाओ। गो बैक साइमन। हम साइमन कमीशन को पंजाब में कदम नहीं रखने देंगे। सर जॉन, साइमन कमीशन को बायकॉट करने का कांग्रेस का फैसला हमारे लिए हैरानी जरूर है। हम हिंसा ना करें तो? तुम हिंसा नहीं करोगे?
हम वचन देते हैं लाला जी। राजपथ की मौत से सारा जहां थर्रा गया, आजाद जी आप उन्हें जवाब भेज दीजिए कि पंजाबियों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, शेरे पंजाब की मौत का बदला पंजाबी खुद लेंगे। हमारी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम तुझे नहीं मारना चाहते, तू तो हिंदुस्तानी है। नहीं, तूने हमारे साहब की जान ली है, मैं तुझे नहीं भागने दूंगा। रुक जा। राजगुरु तुम दोनों निकलो, इसको मैं संभालता हूँ, चलो निकलो तुम दोनों यहाँ से, चलो। विचार से मेरे साथ पटुकेश्वर दत्त को जाना चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। Thank you.
खुद गिरफ्तार होने आया है। भगत सिंह और दत्त गिरफ्तार। नेशनल असेंबली में जबरदस्त बम धमाका, भगत सिंह और दत्त गिरफ्तार। सीना चौड़ा हो गया चाची, साडा सीना चौड़ा हो गया। सारी दुनिया विच नाव करती तब भगत सिंह ने। मुबारका ओ किशन सिया, मुबारका मुबारका किशन सिया मुबारका। हेलो बोलो। आए मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, अपने लीडर का नाम बोलो। भारत माता की जय। इसको लिटा दो बर्फ पर। जाओ जान गंवाना चाहता है। तू नहीं जानता तुझे कैसी कैसी अजीतें दी जाएगी। बेवकूफ, लोहे की गर्म सलाखों से तेरे जिस्म के एक एक हिस्से को जला दिया जाएगा। हथकड़ी पहन के जब हम आ गए हैं जेल में, बर्फ पे सुलाओ या के डालो गर्म तेल में। आज का वो भंडार है हमारी जीत का, हार वो पहन ही लेंगे हम भी खेल खेल में, हार वो पहन ही लेंगे हम भी खेल खेल में। कर लो कोई भी सितम, कस मस न होंगे हम। कर लो कोई भी सितम, कस मस न होंगे हम। ये नहीं हमारा ये तुम्हारा इम्तिहान है। भगत सिंह और दत्त का मुकदमा अब सेशन जज की अदालत में। मुझसे मिलने कौन आया है? तेरे माँ बाप। Thank you.
जेल तोड़ेंगे वो। यस सर, तोड़ सकते हैं, बहुत जोश में है वो, भी बहुत ज्यादा है, लोग और भी बढ़ रहे हैं। खतरा यह है कि रात में वो जेल ही तोड़ दे। तो ऐसी बात है, ठीक है, रात के आने से पहले ही उन्हें फांसी दे दो, जेलों से कह दो कि अभी इसी वक्त उनको खत्म कर दो। Hang them, do you understand? भगत सिंह एहसान है तेरा, भगत सिंह एहसान है तेरा, हर एक हिंदुस्तानी पर, भारत माँ भारतवासी कुर्बान तेरी कुर्बानी पर, भारत माँ भारतवासी कुर्बान तेरी कुर्बानी पर। जब तक सूरज चांद रहेंगे और नदियों में पानी, और नदियों में पानी, तब तक ये संसार कहेगा तेरी अमर कहानी, तेरी अमर कहानी। भारत में आजादी का झंडा जब लहरा, हम तुझे याद करेंगे, सब तुझे याद करेंगे, आजादी की सुबह सुहानी पर, भारत माँ भारतवासी कुर्बान तेरी कुर्बानी पर, भारत माँ भारतवासी कुर्बान तेरी।